ஸ்ட்ரெஸ் கரெக்ட் பிஜிலி சிஜிலி ஐயோ ஆவல் ஓகேவா கோலவல் मुझको ताकत नहीं है, मुझको ताकत है। मैं हफ जाता हूँ। मैं नहीं हफ जाता हूँ। मैं थक जाता हूँ। मैं नहीं सोता हूँ। ये आयरन की गोली है और चौथा महीना से इसको लेनी चाहिए। एक गोली इसको डेली खाओगी, इससे खून की कमी को दूर करता है। बच्चा जब तुम्हारा होगा तो तंदुरुस्त होगा और तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अरे बाप रे बाप, इतना सारा गोली कैसे खाएंगे दीदी? इतना सारा गोली दे दी ने आपने, तो किस लिए खाएंगे? मेरा देह में तो इतना खून है। कोई बात नहीं अनीता, तुम्हारा शरीर में रिपोर्ट मैंने देखी थी, खून अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बच्चा भी पल रहा है। तुम्हारे ही माध्यम से उसके शरीर में भी खून जाएगा, जो ये टैबलेट उसकी कमी को पूरा करेगा। इसीलिए तुम्हारे बच्चे के लिए ये टैबलेट बहुत ज़रूरी है, एक गोली डेली खाना है। ठीक है? ठीक है दीदी। अनीता, तुम्हारे गांव की आशा दीदी है ना? हाँ दीदी। हाँ, कम से कम 9 महीना में 2 बार खून का जांच जरूर करवाना। इससे तुम्हारे अंदर कितना खून है या खून की कमी है या नहीं है, 180 गोली है पूरे, इसको एक गोली रोज लेनी है रात को सोते समय। ठीक है? और समय समय पे आशा दीदी से मिलते रहना, कोई दिक्कत हो तो। अनीता, अब हम चलते हैं, घर पर मिलेंगे। ठीक दीदी, नमस्ते। तुम कैसे आए इतने दिनों बाद? आंख बंद कीजिए तब दिखाएंगे दीदी। अरे सारा गोली खा ली थी? हाँ, अभी सारा गोली। बच्चा ठीक है? बच्चा भी ठीक है, हम भी ठीक है। अरे दीदी, इतना सारा तुम गोली खा ली? हाँ, हमने खा ली, जैसे बताई थी वैसी खाई। कोई भी तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं हुई, बच्चा भी स्वस्थ है, हम भी स्वस्थ है। मुझे प्रसव होने में कोई तकलीफ नहीं हुई, आप भी इसी तरह खाइए। अच्छा ठीक है दीदी, मैं भी खा लूँगी इस गोली को रोज एक ठो। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। एनम दीदी के पास गए थे अम्मा, सेनम दीदी ने गोली दी है, उसे उससे खून की कमी नहीं होती है, मैं खा के आती हूँ। क्या खाएगा है? ओ अनीता, अरे आओ तो खाना दाना बनाओ ना। बेटा आवेगा मेरा तो क्या खाएगा, गर्भवती आया है, कब खाना खाएगी अनीता? उठिए उठिए उठिए। तो क्या हुई? घुमारी हो गई, चक्कर आने लगा ना, उसी से मैं सो गई, तो नींद पड़ गया। गोली के गर्मी से मन हुलियाता होगा, मन मचलता हुआ एकदम से थी। खाना दाना छूट गया ना, तो बेटा आवेगा तो क्या खाना खाएगा बताओ, कितना वो गुस्सा करेगा। सोने का मन करता है? सोइए। एनम दीदी ने तो दवाई दी थी कि कैसे खून की कमी नहीं रहेगी, पता ना कैसे घुमारी आई, जाके एनम जी से पूछेंगे। ठीक है। क्या क्या गोली खा लेती है हमसे पूछती है नहीं, सोइए बढ़िया से। राम राम अम्मा। और अम्मा क्या हाल चाल है? क्या बोलने आई है, रोज रोज तो आती हो, मीठा मीठा बात बोल के चली जाती हो आप। अनीता बहुत हमको थी, बीमार है,
बहुत जीव मिचलाता है। वो आयरन के टैबलेट वहाँ मिला है तो खाई कि नहीं खाई? हाँ, उसको हम गोली अब छोड़वा दिए हैं, नहीं खिलाते हैं। वो आयरन के टैबलेट खाई है ना, उसी से हो रहा है। उसको रात में बोलिए सोने के वक्त खाने के लिए। कुछ काम नहीं करती है, गोली खाती है। अम्मा, शुरू शुरू आयरन की गोली खाने से जी मचलता है, उल्टी टाइप के लगता है। उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसको एकदम सब घुरी मन खराब रहता है। अम्मा, उसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? पहले चलो चाय बना के पिलाओ, तभी हम बताएंगे। तुम तो खाली खुपत में डांटती रहती हो। चलिए तो। अरे अम्मा, आप तो चाय बहुत अच्छा बनाती हो। अरे भैया, थोड़ा इधर सुनिए, आइए आप भी बैठिए, थोड़ा जरूरी बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात करना है? अच्छा भाई, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अनीता को बताना होगा। जैसे आपकी बहू को आयरन के गोली खाने से जी मचल रहा है, तो उसके लिए आप रात में सोने के समय गोली दीजिए खाने के लिए आयरन की। नहीं खाएगी भैया तो खून की कमी हो जाएगा। पीने में पानी अधिक मात्रा में बोलिए पीने के लिए। आप बताइए भैया, क्या समझे आप? हाँ, समझे ना दीदी, कि मैंने जो मैंने आयरन की गोली खाने से जो काला पैखाना हो रहा था, उससे हम घबराएंगे नहीं। हाँ। उसको रेशेदार मैंने पत्तेदार सब्जी देना है, फल देना है, पानी ज्यादा पिलाना है, ये सब चीज हम देंगे। जी, चाय पी लिए, आयरन का टेबलेट खा लिए, तो सही तरीके से आयरन के टेबलेट काम नहीं कर पाता है। अच्छा भैया, आप भी चाय मत पीजिएगा, नहीं तो आपको देखा देखी अनीता भी चाय पी लेगी। हमको थोड़े गर्भवतियाँ हैं जो हमको वापस आ रहे हैं। हम नहीं मानेंगे दीदी इस चीज को। आप हमको तो पीने दीजिए, अनीता के चक्कर में हमको क्यों? भैया आप भी चाय मत पीजिएगा, तभी देखा देखी अनीता चाय। हम भी चाय पीना कम कर देंगे। बहुत अच्छा भैया, आप तो बहुत अच्छा से समझ गए। यार तुम लोग जानता है कि आशा दीदी आई थी, बता रही थी आयरन गोली के बारे में। 180 गोली दे दी है, आयरन गोली के बारे में तुम लोग कुछ जानता है भाई? इसके बारे में हम लोग कुछ पता नहीं है। हमारी पत्नी भी तो गर्भवती है ना। कैसा पति है तू यार? तुमको तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? मेरे को बता ना। एक कोई आशा दीदी थोड़े जो कि तुमको आयरन गोली के बारे में? हम नहीं बताएंगे यार, अपनी घर वाली कुछ हो सकता है। तुम्हारे घर में भी आशा दीदी जाके बताई होगी। जल्दी पता करके आओ, जल्दी जा ना तू, पहले जा, पहले खेल के आ तू, जा उठ जा। के बात खेल रहा क्या? मूर्ख है एकदम। सब लोग ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। तो आज हम लोग बैठे हैं दीदी एक जरूरी बात के चर्चा करने के लिए। आप लोग दिल खोल के हमसे बात कीजिएगा दीदी। ठीक है दीदी, झिझक मन में ना रखिएगा। नहीं दीदी। अच्छा दीदी, आप लोग आयरन की गोली के बारे में जानते हैं? तो उसके बारे में क्या क्या जानते हैं दीदी, थोड़ा बताइए। दीदी एक सवाल है, हम तो सुने हैं कि आयरन के गोली खाने से बच्चा काला होता है। अच्छा दीदी, आप लोग बताइए किसके किसको लगता है कि आयरन की गोली खाने से बच्चा काला होता है? दीदी ठीक है, बेबी दीदी तो ठीक बोल रहे हैं, ठीक है बच्चा काला होता है। बाप रे बाप, हम थोड़े चाहेंगे कि हमारा बच्चा काला हो। ना हम ना खाएंगे आयरन की गोली भाई। मल काला होता है ये तो अच्छी बात है दीदी, ये आयरन की गोली खाने की पहचान है, लेकिन बच्चा काला होता है ये तो हम पहली बार सुने हैं। दीदी सुन रहे हैं ना सासू माँ, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। असली बात तो ये है कि प्रसव के समय पर खून ज़्यादा बहने की तो शंका ही रहता है, बहता भी है। जो महिला आयरन की गोली खाई हुई रहती है उसके साथ ये खतरा नहीं रहता है, क्योंकि उसको अधिक मात्रा में भी खून बह जाता है, तो उसको आयरन की टेबलेट खाई हुई है तो उसको खून की पूर्ति हो गया है। ठीक तो कह रहे हैं संगीता दीदी। एक बात और बताती हूँ कि जन्म के समय बच्चे को कभी कभी उसको शारीरिक कमी रह जाती है,
वो आयरन की गोली खाने से शारीरिक कमी नहीं होती। दीदी आयरन की गोली खाने से सब चीज पूर्ति हो जाता है दीदी कि नहीं, और कुछ खाने पड़ता है दीदी? नहीं पर विला दीदी, आयरन की गोली से खाली नहीं होगा। आयरन की गोली तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी खाना पर विशेष ध्यान देना है ना। दाल उल भी खाना में लेना है, हरी पत्तीदार सब्जी भी लेना है। कम से कम नहीं देहात में मिलता है तो दो दिन चार दिन पर भी लेना है। उसके बाद मांस, अगर मांसाहारी है तो मांस मछली भी लेना है। चना होगा ना परविला दीदी घर में, तो वो चना फुला करके उसको अकुड़ा हुआ चना, गुड़, चूड़ा, भुंजा, मूंगफली भी खाना है। खा लो खाना। हाँ, कैसा तबीयत हो रहा है? ठीक है, थोड़ा कमजोरी है। कमजोरी है तो दवा खा लो। पर अम्मा कल ने तो आप मना कर दी थी कि इस गोली मत खाना। हाँ मना किए हैं, आसपास के लोगों के बातें में हम आ गई। कोई बात नहीं अम्मा। ठीक है बेटी, हमसे भूल हो गई। ना, इसको आराम से रख लो। अच्छा ठीक है, सोने वक्त एक गोली के रोज खाइए, बाद में प्रसव में दिक्कत नहीं हो। हाँ बात तो समझ में आई, आशा दीदी बताई तो समझ में आ गई। वाह अम्मा वाह, आपको इतना सोच बदल गया। धान का फसल जब गर्भावस्था पहुँचता है, पानी का सिंचाई ज्यादा करने पड़ता है कि नहीं? उसी तरह से गर्भावस्था में ज्यादा खून का व्यवस्था करने पड़ता है ना, इसीलिए ये गोली दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझी। पर घुमा रिया तो उसको क्या करें? सोने वक्त एक गोली के रोज खाइए। घुमारी उमारी लगे नहीं लगे? रात को खाऊंगी, सोते वक्त घुमारी नहीं आएगा। हाँ। और रोज एक गोली खाऊंगी। ठीक, दीदी मेरा नाम अनीता देवी है, कैणी की रहने वाली हूँ। बहुत परेशानी हुआ था राधाकृष्ण में, खून की कमी से बच्चा नहीं अथी होता था, छड़ता था, और कोची कहे कि बहुत दर्द भी होता था। फिर गर्जियन भी बहुत परेशान होते थे उस समय। मैं को हमको साथ 2016 में हुआ था ये बच्चा है जो, तो इसको वजह में हमें खाना पीना में भी खाएँ, फिर नाशा दी आयरन की गोली दी वो भी खाएँ, तो उस समय ठीक से हुआ। फिर गर्जियन को ना कोई कष्ट हुई, बढ़िया से भी हो गया। हाँ कहवे करते थे कि काला होगा या ऐसे वैसे, बहुत तरह की अथी बोलते थे, घुमारी आता है, चक्कर आता है, ये होता है। हम सबको बहुत नहीं रखे, हमें अपना ही खाएं मन से, तो फिर भी तो पर भी आता था, उल्टी थोड़ा मन होता, फिर नहीं होता था। मगर तो देह में तो हेल्थ रहा, खून भी रहा। देखिए दीदी, साल भर के से ज़्यादा होगा ये। देखिए दूसरा बच्चा में आयरन की गोली खाए हैं, देखिए दूसरा बच्चा कैसी है, पुष्ट भी है, हम भी पुष्ट हैं, देख लीजिए। दीदी लोग को भी खाना चाहिए ये गोली, जरूरी खाना चाहिए, अपनों भी पुष्ट रहेगी, बच्चों भी पुष्ट रहेगा आयरन गोली खाने से। घर में सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, सब लोग को समझ लिए कि गोली खाने से क्या फ़ायदा है, सबको समझ गए अभी कहें तो कि ठीक है गोली आयरन की है जी।